जय श्री कृष्णा। देखा जाए तो ईश्वर जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छिपी होती है। जब कोई अनहोनी हो जाती है तब हम ईश्वर को दोष देते हैं, कोसते हैं और बुरा भला न जाने क्या क्या कहते हैं। परंतु कुछ समय बाद हमें यह एहसास होता है कि जो भी ईश्वर ने किया था वह बिल्कुल सही किया था। इसी प्रकार एक राजा, उसका एक मंत्री था जिसे हर बात पर यही कहने की आदत थी कि जो हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ। एक बार राजा का पुत्र बहुत बीमार हो गया और कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु भी हो गई। राजा के पुत्र की अंतिम यात्रा में वह मंत्री भी शामिल था और वह मंत्री अपनी आदत से मजबूर वहाँ भी उसने यही कहा कि सब ईश्वर की कृपा से है। राजा को मन ही मन बहुत क्रोध आया, परंतु उसने कहीं ना कहीं उसे सहन कर लिया। कुछ वर्ष बीतने के पश्चात राजा की पत्नी की तबीयत खराब हुई और उसकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ पर भी मंत्री आया और मंत्री ने यही कहा कि जो हुआ सब ईश्वर की कृपा से हुआ। राजा को फिर क्रोध आया, परंतु मन ही मन वह शांत रहा। उसने अपने गुस्से को अंदर ही पी लिया। कुछ दिन बीतने के पश्चात राजा एक नई तलवार लेकर आए और ज्यों ही वे तलवार को जांच रहे थे उनकी उंगली कट गई। मंत्री भी वहीं मौजूद था। मंत्री ने फिर वही कहा, जो हुआ सब ईश्वर की ही कृपा है। राजा को इस बार अत्यंत क्रोध आया और उससे सहन ना हुआ। उसने तुरंत मंत्री को अपने राज्य से निकाल दिया और कहा कि इसका दाना पानी सब बंद है। मंत्री उस राज्य से चला गया बिना कुछ साथ लिए। कई दिन बीतने के पश्चात राजा जंगल की ओर शिकार के लिए गया। अब जंगल में कुछ डाकू लुटेरे थे पर एक मनुष्य को बलि के लिए ढूंढ रहा था। वहां उसने राजा को आते देखा तो उसने राजा को बंदी बना लिया। डाकू ने राजा से प्रश्न किया कि क्या आपका पुत्र है। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी है। डाकू ने कहा, अरे इसका तो हृदय जला हुआ है। फिर उसने प्रश्न किया कि क्या आपकी पत्नी है। राजा ने फिर उत्तर दिया कि नहीं, मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर डाकू ने क्या उत्तर दिया, अरे इसका तो आधा अंग भी नहीं है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति का आधा अंग होती है। अब उसने मन ही मन सोचा, क्या पता यह राजा झूठ बोल रहा हो। बचने के लिए उसने उसका शरीर जांचना शुरू किया। ज्यों ही राजा का शरीर देखा, उसकी एक उंगली कटी हुई थी। वह डाकू बोलने लगा, इसका तो अंग भी भंग है, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती, और उसे छोड़ दिया। राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य में जाकर सर्वप्रथम उसने अपने सैनिकों द्वारा मंत्री को वापस बुलवाया कि जो तुम कहते थे वह वास्तविकता है, क्योंकि जो ईश्वर करता है वह ही सही होता है। सब कुछ करने के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर का ही हाथ होता है और उसी की कृपा होती है, क्योंकि वह हमारा परमपिता परमेश्वर है। वह किसी भी प्रकार हमें कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता, किसी भी प्रकार हमारा बुरा नहीं चाह सकता। इसलिए ईश्वर जो करते हैं कहीं ना कहीं उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। ईश्वर की करनी पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ना ही विचारना चाहिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ भलाई छिपी होती है। जय श्री कृष्णा।